अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज हम नवाबी फिरनी सेवई बना रहे हैं। उसके लिए हम एक बर्तन में तकरीबन 2 टेबलस्पून घी ले लेंगे। घी में हम 250 ग्राम सेवैयाँ डाल देंगे। ये सेवैयाँ बारीक वाली यूज़ कर रहे हैं हम, जो भुनी हुई है, गोल्डन कलर की है। अगर आप मोटी वाली चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप भुनी हुई यूज़ नहीं कर रहे हैं, वाइट कलर की यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा भुनें। हम जितना भूनेंगे उससे ज़्यादा भूनें, क्योंकि हमें अच्छी तरह से भूनकर इसका एक गोल्डन कलर चाहिए। हमने ये 250 ग्राम ली हैं और हाथों से सेवइयों को क्रश कर लिया है, छोटा छोटा, जैसे आप देख सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरह से सेवइयों को भूनेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट इस तरह चलाते हुए भूनेंगे। 5 से 6 मिनट चलाते हुए हमने भूना मीडियम फ्लेम पर, तो सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह भुना गई हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, गोल्डन। हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। हम इसमें 3 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी मिलाएंगे। 3 टेबलस्पून शक्कर को लेकर मिक्सर में डाला हमने और इस तरह से पाउडर बना लिया। इससे आसानी से ये मेल्ट हो जाएगी। 3 टेबलस्पून हमने मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर दें, सिर्फ चीनी डाल दें। 1/4 टीस्पून के करीब इलायची का पाउडर। बस फ्लेम को मीडियम रख के हमें और 4 से 5 मिनट चलाते हुए सारी चीज़ों को भून लेना है। 5 से 6 मिनट हमने अच्छी तरह से भून लिया सारी चीज़ों को, फ्लेम को बंद कर देंगे। जिस बर्तन में हम नवाबी फिरनी सेवई बनाकर तैयार करना चाहते हैं उसमें हम ये सेवइयों को डालेंगे। हमने इसमें आधी से ज़्यादा सेवइयाँ डाल दी हैं, आधी से ज़्यादा डाल देनी है हमें, और अच्छी तरह से फ्लैट करके इसे सेट कर लेना है। सेवइयों को हमने अच्छी तरह से सेट कर दिया। हम अब फिरनी बनाएंगे। जो सेवइयाँ बच गई हैं, जो हमने सेट होने के लिए रखी और जो थोड़ी रह गई है, उसे हमने दोबारा से फ्लेम ऑन करके रख दिया है। उसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, आधी चुटकी से भी कम, और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप ये स्टेप को टोटली स्किप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। बस अच्छी तरह से मिला कर हम इसे एक साइड पर रख देंगे। फिरनी बनाने के लिए हमने दूध को गर्म करने के लिए रखा है। यहाँ हमने 750 ml में आधा कप दूध कम लिया है, आधा कप हमने अलग निकाला है। हम उसमें कुछ चीज़ें मिलाते हैं। जो आधा कप दूध हम बचा कर रखे हैं उसमें हम कुछ चीज़ें मिलाएंगे। ये मिल्क पाउडर है, 4 से 5 टेबलस्पून यूज़ किया हमने। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है या आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप दूध थोड़ा ज़्यादा ले लें। जैसे आप, हमने 1.5 लीटर दूध लिया, आप 1 लीटर दूध ले लें और 1 लीटर दूध को पकाकर अच्छी तरह से 1.5 लीटर के करीब कर दें, और फिर बाद में ये स्टेप फॉलो करें जो हम कर रहे हैं। बस मिल्क पाउडर का इस्तेमाल ना करें। साथ में हम 3 टेबलस्पून भरकर चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा यानी, अगर आपके पास नहीं है तो मिक्सर में चावल को डालकर उसका पाउडर बना लें इस तरह से। 1/2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है आपके पास तो आप कॉर्नफ्लावर डाल दें 1/2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, इसमें गुठलियाँ ना बने, ध्यान रखें। अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिला लिया। हम अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है,
ये पॉइंट पे ये सारी चीज़ें जो हम मिलाए हैं वो इस तरह से डालते जाएंगे और चलाते भी जाएंगे। फ्लेम को लो रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करना। पहले हम सारी चीज़ों को डाल देंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे, फिर फ्लेम को हाई करेंगे। फ्लेम को हमने हाई किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हमारी फिरनी गाढ़ी हो रही है। हम इसी तरह इसे 4 से 5 मिनट पकाते रहेंगे। चाहे तो आप लो फ्लेम करके पकाएं या चाहे तो हाई फ्लेम करके, चावल का कच्चापन और कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म करने तक हमें पकाना है। लेकिन इस तरह से बीच बीच में चलाते भी रहना है, छोड़ नहीं देना। 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से हमने पकाया, चलाते हुए पकाया, बहुत अच्छी तरह गाढ़ी हो गई है फिरनी। बस ऐसी ही गाढ़ी फिरनी चाहिए हमें। अगर ये इतनी गाढ़ी आपको नहीं लगती है तो आप थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर कुछ भी मिलाकर दूध में इसमें ऐड कर दें। हम इसमें 1/2 कप भरकर शक्कर डाल देंगे, जो बिल्कुल परफेक्ट है। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा डालें, और अगर कम पसंद है तो कम डालें। इस तरह चलाते रहेंगे, शक्कर को मेल्ट होने देंगे। साथ में हम इसमें 2 से 3 बूंद केवड़ा एसेंस भी डालेंगे। इसमें केवड़ा एसेंस ज़रूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सेवैयों में इलायची पाउडर डालें और इसमें केवड़ा एसेंस डालें तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इलायची पाउडर डाल दें या केसर डाल दें, जो भी अवेलेबल है वो फ्लेवर डाल दें। शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, हम इसे सेवैयों पर पोर कर देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। फिरनी को हमें पोर कर देना है सेवैयों पर। बची हुई सेवैयों को हमें इस तरह से ऊपर डाल देना है। हमें इसे फ्रिज में रख देना है 3 से 4 घंटों के लिए।